गाजियाबाद मसूरी थाना इलाके के नेशनल हाईवे के पास स्थित होली क्रॉस हॉस्पिटल के पास से शुक्रवार सुबह से गुमशुदा हुए व्यापारी राशिद का शव डासना के उस्मान कॉलोनी स्थित जंगल से उसी की गाड़ी बैगनार से बरामद हुआ है। दिन निकलते ही हत्या की सूचना पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार बता दें कि नेशनल हाईवे से सटे होली क्रॉस हॉस्पिटल के पास सुबह शुक्रवार को करीब 10:15 बजे अपनी पत्नी का इलाज कराने गांव हावलहापुर निवासी राशिद नामक युवक रहस्यमय तरीके से गुमशुदा हो गया था, जिसकी परिजन तलाश कर रहे थे और बीती रात्रि परिजनों द्वारा युवक की गुमशुदगी की तहरीर थाने में दी गयी थी। पुलिस तहरीर के आधार पर युवक की तलाश कर रही थी। इसी बीच दिन निकलते ही पुलिस को सूचना मिली कि डासन के उस्मान कॉलोनी में एक गाड़ी में एक युवक का शव पड़ा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो शव व्यापारी राशिद का निकला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। मेरा भाई राशिद अली है, ये कल अपनी घरवाली को डॉक्टर के दिखाने के लिए मसूरी आया, मसूरी हॉस्पिटल होली क्रॉस हॉस्पिटल में टांके कटवाने के लिए आया। उसे घरवाली को बिठा के किसी का फोन आया इसके पास, कहा कि 20 मिनट में वापस आ रहा। उसके बाद से मेरा भाई गायब है, जो हमारा के बाद से ना इसका नंबर लगा ना इसके बाद। सुबह पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी वेगनार गाड़ी में मिली है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। व्यक्ति की शिनाख्त राशिद नामक व्यक्ति की हुई है, जो मूल तिलकुआ थाना क्षेत्र हापुर का रहने वाला है। इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि अपनी वाइफ को दिखाने एक हॉस्पिटल में कल आया था, जो कि मसूरी थाना क्षेत्र में पड़ता है, और वाइफ को बता के कहीं चला गया। SSP कलानिधि ने थाने के लाख प्रयासों के बावजूद भी क्राइम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। शुक्रवार को ही 2 दिन पहले मोटा गांव से लापता परचून व्यापारी का भी शव मधुमन बापूधाम थाना क्षेत्र से पेड़ पर लटका हुआ बरामद हुआ था, जिसकी हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाया गया था। अब शनिवार को भी एक व्यापारी का शव मसूरी थाना क्षेत्र से बरामद होने पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं।